Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of design of steel structures. In the previous lecture we have discussed about the example number 1 of plate girder. Okay, plate girder ka jo example number 1 tha wo humne dekha tha. Dekho ye example jo hai wo bahut lengthy hai aur matlab time consuming bhi hai. To aapko ye jo hai wo sare steps jo hai wo acche se dekhne padenge tabhi aap ye perform kar paoge exam mein. Okay. और जैसे कि अब आप सभी को पता है कि एमसीक्यू एग्ज़ाम्स होने वाली है, तो आपके एग्ज़ाम्पल तो इम्पोर्टेंट है ही, बट आपके पूरे एग्ज़ाम्पल अब नहीं आएंगे, उसमें से पार्ट पार्ट आएंगे या तो फिर थियोरी पोर्शन जो है वो ज़्यादा आएगा. ओके, तो इसलिए आपको ज़्यादा इम्फेसिस जो है वो पूरे एग्ज़ाम्पल में नहीं करना है, बट थियोरीज पे करना है ताकि उसमें से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज निकल सके. ओके, बाकी जो छोटा छोटा पोर्शन है एग्ज़ाम्पल का वो आ सकता है एमसीक्यूज में. तो आइए स्टार्ट करते हैं. लास्ट टाइम हमने स्टेप नंबर 6 तक देखा था कि स्टेप नंबर 6 में हमने देखा था कि चेक फॉर शेयर कैपेसिटी ऑफ वेब. शेयर कैपेसिटी हमने चेक की थी वेब की, जिसमें वी डी इज इक्वल टू ए वी इंटू एफ वाई डब्ल्यू अपन रूट 3 गामा एम ओ, जहाँ ए वी इज इक्वल टू जो है वो डी इंटू टी डब्ल्यू होता था फॉर वेल्डेड सेक्शन. तो वही हमने चीज़ यहाँ पर डाल दी और सारे वैल्यूज जो है वो रख दी. और ये जो इक्वेशन है वो शेयर कैपेसिटी चेक का वेब का, वो IS 800/2007 कोड में दिया गया है, क्लोज नंबर 8.4 पेज नंबर 59 पे. VD की वैल्यू आ गई 2204 किलो न्यूटन. ओके, उसके बाद मैंने 0.6 VD किया, तो 0.6 VD जो है वो 0.6 इंटू 2204 विच इज इक्वल टू 1322 एंड विच इज़ ग्रेटर देन 996 किलो न्यूटन. देयरफॉर ओके ओके, तो ये सारा जो है वो चेक यहाँ तक जो चेक है वो हमने देखे थे. ओके, अब उसके बाद का जो आज सातवां जो चेक है, यानी कि आपका सेवन्थ स्टेप जो है वो यहाँ से आपका बाकी था. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. सेवन्थ स्टेप है आपका चेक फॉर ऑफ सीयर बकलिंग ऑफ वेब यूजिंग सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड. देखो यहाँ से जो है वो मेथड्स चेंज होती है, टेंशन कैपेसिटी की मेथड भी आ सकती है और ये सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड भी आ सकती है. ओके, तो हमने यहाँ सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड जो है वो अडॉप्ट किया है और वो मेथड IS 800/2007 क्लोज नंबर 8.4.4.4 पेज नंबर 59 पे आपको मिल जाएगी. तो उसमें जो है वो नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ सबसे पहले VN इज इक्वल टू VCR होता है, वेयर VCR इज इक्वल टू शेयर फोर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू वेब बकलिंग एंड VCR इज इक्वल टू AV इंटू टाओ बी. ओके, AV इंटू टाओ बी होता है VCR आपका, और नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ के किस्से में VN इज इक्वल टू VCR होता है. ओके, द इलास्टिक क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस ऑफ वेब पेज नंबर 60 के ऊपर से आप म्यू जो है वो पॉइजन्स रेशियो 0.3 ले सकते हो. अब देखो ये इक्वेशन टाओ CRE का है, तो ये टाउ सी आर ई का इक्वेशन जो है वो पेज नंबर 60 पे दिया होगा, के वी इंटू पाई स्क्वायर इंटू ई अपॉन 12 इन द ब्रैकेट 1 माइनस म्यू स्क्वायर इन द ब्रैकेट डी अपॉन टी डब्ल्यू होल स्क्वायर. ओके, तो ये इक्वेशन में आपके पास सारी वैल्यूज है, म्यू की वैल्यू और जो आपका ई है वो तो आपको पता ही है 2×10^5 होता है एंड के वी. तो यहाँ पे म्यू एंड के वी कितना लेना है वही आपको डिसाइड करना है. ओके, तो म्यू जो है वो पॉइजन्स रेशियो है जिससे हमें 0.3 लेना है एज पर पेज नंबर 60 एंड के वी की जो वैल्यू है वो 5.35 लेनी है. बट कैसे किससे में आपको के वी की वैल्यू 5.35 लेनी है, व्हेन ट्रांसवर्स स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड ओनली एट सपोर्ट. जब जब आपके ट्रांसवर्स सपोर्ट्स जो है वो ओनली जो सपोर्ट्स पे अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो ट्रांसवर्स स्टिफनेस, अगर आप ओनली सपोर्ट्स पे दे रहे हो तो आपको के वी की वैल्यू 5.35 लेनी है. ये एक माइंड में बिठा लेना फ्रेंड्स. ओके, तो के वी की वैल्यू 5.35 इंटू पाई स्क्वायर एंड ई की वैल्यू जो है वो 2×10^5 12 वैसे का वैसा 1 माइनस म्यू की वैल्यू 0.3 उसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू 1400 एंड डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ वेब 12 और उसका होल स्क्वायर. ओके, ये सब करोगे तो आपको टाउ सी आर ई जो है मिल जाएगा 71.04 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. ओके, टाउ सी आर ई की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 71.04 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर
एंड लैम्डा डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो अंडर रूट ऑफ एफ वाई डब्ल्यू अपॉन रूट थ्री टाउ सी आर। ओके, तो एफ वाई डब्ल्यू की वैल्यू है हमारे पास 250 और टाउ सी आर की वैल्यू जो है वो 71.05 जो हमने आगे के स्टेप में फाइंड की, यहाँ पे फाइंड की। ओके, तो ये सारी वैल्यूज मैंने रख दी, तो लैम्डा डब्ल्यू जो है वो आया 1.425 विच इज़ ग्रेटर देन 1.2, देन इट इज़ ओके। एंड देन आफ्टर टाउ बी इज इक्वल टू एफ आई डब्ल्यू अपॉन रूट थ्री डेल डब्ल्यू स्क्वायर। ओके, अब देखो ये डेल डब्ल्यू की वैल्यू जो है 1.4.2.5 वो जो है वो यहाँ से ही लेमड़ा डब्ल्यू की वैल्यू एंड एफ डब्ल्यू की वैल्यू, तो आपको एफ आई डब्ल्यू की वैल्यू तो आपको पता ही है 250। तो 250 डिवाइडेड बाय रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय लेमड़ा डब्ल्यू, तो ये जो लेमड़ा डब्ल्यू की वैल्यू है 1.425 उसका होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू टोटल करोगे तो आप आ जाएगा 71.08 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। नाउ वीसीआर इज इक्वल टू एवी इंटू टीबी। अब एवी मेरा जो है वो 1400 इंटू 12 है एंड जो आपका टाउ बी है। ओके, तो टाउ बी की वैल्यू हो जाएगी 71.08। ओके, जो हमने आगे यहाँ पे फाइंड की वही वैल्यू, तो ये सारी वैल्यू रख दी, तो मेरा आंसर आया वी सी आर का 1194 इंटू 10^3 न्यूटन। ओके, वी सी आर जो है वो क्वांटिटी क्या आई आपकी 1194 इंटू 10^3 न्यूटन वी सी आर की वैल्यू। ओके, विच इज़ ग्रेटर देन 996 किलो न्यूटन अगेन अगेन देन फॉर ओके एंड हैंस शियर स्ट्रेंथ ऑफ वेब इज ग्रेटर देन द अप्लाइड शियर। देखिए यानी 996 जो है वो अप्लाइड शियर है, उससे आपका जो ये शियर है शियर कैपेसिटी का 1194 वो बड़ा है। ओके, 996 से, इसलिए जो है वो आपका जो मतलब वेब बकलिंग के किस्से में आपका जो वेब है वो सुरक्षित है, ऐसा हम बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हैं आपको, तो वो नोट्स क्या बताना चाह रहे हैं मैं बता देता हूँ। इफ़ वी सी आर इज़ लेस देन वी जेड, वी सी आर अगर आपका वी जेड से लेस आता है, द बकलिंग स्ट्रेंथ इज़ रिक्वायर्ड टू बी इम्प्रूवड बाई चेंजिंग द वेब सेक्शन और शुड बी डिज़ाइन यूजिंग टेंशन फील्ड एक्शन मेथड। ओके, कई बार अगर प्रिंट में प्रॉब्लम हो तो मतलब आपको अगर वी सी आर लेस देन वी जेड होता है तब आपको क्या करना पड़ता है कि वेब सिलेक्शन जो है वो चेंज करना पड़ता है। ओके, चेंजिंग द वेब सेक्शन और शुड बी डिज़ाइन यूजिंग टेंशन फील्ड मेथड, तो ये दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एज द कंप्रेशन फ्लेंज इज रिस्ट्रेंड देर इज़ नो नीड टू चेक फॉर लेटरल ट्रोजन टॉर्सनल बिल्ड बकलिंग एज फॉर क्लोज 8.7.9। ओके, ये नोट आपकी नॉलेज के लिए है, या आप एग्जाम में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद जो आपका स्टेप नंबर 8 है उसमें है डिज़ाइन ऑफ लोड कैरिंग स्टिफनेस। लोड कैरिंग स्टिफनेस कैसे बनाते हैं वो चीज़ यहाँ पे है। तो लोड कैरिंग वेब स्टिफनेस शुड बी प्रोवाइडेड वेयर कंप्रेसिव फोर्सेज अप्लाइड थ्रू अ फ्लैंज बाय लोड्स और रिएक्शन एक्सिड्स द बकलिंग स्ट्रेंथ FCDW ऑफ द अनस्टिफन वेब। और ये इसका जो पूरा जो राइट अप है वो IAS 800/2007 क्लोज नंबर 8.7.3 पेज नंबर 67 पे आपको डिटेल में दिया गया है। ओके, तो लोड कैरिंग स्टिफनेस जो है लोड कैरिंग वेब स्टिफनेस ओनली शुड बी प्रोवाइडेड वेयर कंप्रेसिव फोर्स इज अप्लाइड थ्रू अ फ्लैंज। कंप्रेशन फोर्स जो है वो फ्लैंज पे अप्लाई होता है बाय लोड्स और रिएक्शन एग्जिट्स द बकलिंग स्ट्रेंथ। ओके, FCW से अगर ज़्यादा होता है अनस्टिफन वेब के लिए तो आप जो है वो ये ऐसे लोड कैरिंग स्टिफनेस का यूज़ कर सकते हो। ओके, बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ अनस्टिफन वेब जो है वो FCW, इसका इक्वेशन है B1+N1 मल्टीप्लाई बाई TW इंटू FCD। अब B जो है वो विड्थ ऑफ स्टिफ बेरिंग ऑन द फ्लेंज है। ओके, इनिशियली इसको हमने जीरो एज्यूम किया है, therefore N1 इज इक्वल टू 2 × N/2 × D/2 फॉर 45 डिग्री लोड डिस्पर्जन। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कोड में दी गई है, इसलिए आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
ओके, तो 2 इंटू डी की वैल्यू जो है वो 1480 ओवरऑल डेप्थ है डिवाइड बाई 2, तो अब 1480 mm एंड टी डब्ल्यू इज इक्वल टू 12 mm। ओके, तो अब आपके पास बी वन की वैल्यू है। ओके, अभी हमने 0 एज्यूम की है, फिर एन वन की वैल्यू जो हमने फाइंड की 1480 एंड टी डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो 12 mm है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इक्वेशन में पुट करके आप जो है वो इजीली आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो है बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ वेव अबाउट एक्सिस पैरेलल टू वेव कैलकुलेटर यूजिंग कर्व सी। ओके, तो ये देखो यहाँ पे जो फिगर है उसमें आपको स्टिफनेस की मतलब पोजीशन दिखाई है कि ये 45 डिग्री यहाँ पे, ये 45 डिग्री यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो टोटल लोड डिस्पर्जन हो रहा है। ये जो डेप्थ है वो आपके डी बाई टू जितनी है, और यहाँ पे जो बेस ट्राइंगल का बना है वो एन वन जितना है। ओके, तो ये फिगर में यही एक समझनी थी चीज़। बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ वेव अबाउट एक्सिस पैरेलल टू वेव इज कैलकुलेटेड। ओके, तो जो एक्सिस पैरेलल होती है वेव से, ओके, उसके थ्रू जो है वो हम बकलिंग स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो ये पेज नंबर 66 जो है वो उसके आसपास का ये रेफरेंस है, के एल अपॉन आर वाई फाइंड करवाना। तो के एल अपॉन आर वाई इज इक्वल टू 2.43 इंटू डी अपॉन टी डब्ल्यू, वेर डी इज इक्वल टू 1400 एंड टी डब्ल्यू इज इक्वल टू 12 एंड के एल अपॉन आर वाई इज इक्वल टू 283.5 एंड आफ्टर डैट के एल इज इक्वल टू 0.7 डी। ओके, देन आर वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई वाई अपॉन ए, और आई की जो वैल्यू है बी डी क्यूब यहाँ पे जो है वो पहले से दिया हुआ है डी इंटू टी क्यूब, और नीचे एरिया जो है वो डी इंटू टी डब्ल्यू से दिया गया है। ओके, तो ये सारा जो वैल्यूज अगर हम यहाँ पे रखें तो टी डब्ल्यू अपॉन अंडर रूट 2 बचेगा। अब जो है वो हमें के एल अपॉन आर वाई के लिए जो वैल्यूज है वो रख दिया 0.7 इंटू डी अपॉन टी वाई अपॉन अंडर रूट 2 यानी 2.43 डी अपॉन टी डब्ल्यू। अब ये जो बकलिंग क्लास है वो उसके लिए IS-800/2007 टेबल नंबर 9C पेज नंबर 42 आपको देखना पड़ेगा। बाय एक्स्ट्रापोलेशन यानी इंटरपोलेशन, अगर जो 10 का डिफरेंस है ये दोनों के बीच में, दो वैल्यूज़ के बीच में, तो कोरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंस आता है वो 1.9 आता है। एंड डिफरेंस अगर 43.5 का है तो कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंस कितना आएगा? तो ये मैंने परफॉर्म किया टोटल, तो 43.5 इंटू 1.9 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 8.265 जो मेरे को इंटरपोलेशन का या एक्स्ट्रापोलेशन का आंसर मिला। अब ये एफसीडी की जो वैल्यू है 26.2, उसमें से मैं इतना कट कर दूंगा। ओके, तो 26.2 माइनस 8.265 विच मीन्स एफसीडी इज इक्वल टू 17.94 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड एफ सी डब्ल्यू इज इक्वल टू बी वन प्लस एन वन इंटू टी डब्ल्यू इंटू एफ सी डी। सारे वैल्यूज जो है वो अब रख दी, पहले मेरे पास क्या नहीं था, टी डब्ल्यू नहीं था तो वो हमने फाइंड कर लिया, एंड एन वन एफ सी डी ये सारी चीज़ें फाइंड कर ली। ये सारी चीज़ें लगा दी तो 318.61 एंड विच इज़ ग्रेटर दैन 300 किलोमीटर देन इट इज़ ओके, वेव इज सेफ अगेंस्ट बकलिंग बिलो 300 किलो न्यूटन लोड। ओके, तो मतलब जो आपकी वेव जो है वो कम्प्लीटली सेफ है अगेंस्ट द बकलिंग बिलो 300 किलो न्यूटन लोड। तो 300 किलो न्यूटन तक जो आपका बकलिंग है वो वेव है वो बकलिंग जो है वो बैर कर सकती है, इसका ये मतलब होता है। ओके, तो ये स्टेप भी ईजी था। उसके बाद जो आपको देखना है वो है डिज़ाइन ऑफ लोड बैरिंग स्टिफनेस। आप लोड बैरिंग स्टिफनेस की डिज़ाइन कैसे बनाओगे, ओके, वो देखना है। तो बैरिंग स्टिफनेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर वेव्स वेयर फोर्सेस अप्लाइड थ्रू अ फ्लैंज बाय लोड्स और रिएक्शन एग्जिट्स द लोकल कैपेसिटी ऑफ वेव FW। ओके, तो बेयरिंग से स्टिफनेस आपको कब प्रोवाइड होता है, शुड बी प्रोवाइडेड फॉर वेव्स, उसे वेव के लिए प्रोवाइड किया जाता है लोड बेयरिंग स्टिफनेस को, वेयर फोर्सेस अप्लाइड थ्रू अ फ्लैंज बाय लोड्स और रिएक्शंस एक्सीड्स। ओके,
टोटल कैपेसिटी ऑफ वेव इज़ एफ डब्ल्यू। अब देखो यहाँ पे आपको एक छोटी सी फिगर में समझाने का ट्राई किया है, पूरा जो प्लेट गर्डर है वो देखो। प्लेट गर्डर में ये फ्लैंज वेब जंक्शन है, ओके, ये पूरी स्ट्रिप है जहाँ पे आपकी जो मतलब जो है वो मतलब इंस्ट्रूमेंट रहने वाले हैं। अब उस पर जो 300 का लोड आता है वो ऐसे डिस्पर्जल होता है उसका, तो ये जो है वो N2 है, एंड ये जो तो ओवरऑल डेप्थ है वो डेप्थ इज इक्वल टू 1480, एंड स्मॉल डी यानी कि जो कवर के पिना का जो डिस्टेंस है वो है 1400, एंड टी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे थिकनेस ऑफ वेव की वैल्यू जो है वो 40 है, ओके। और यहाँ पे जो स्लोप है वो है 1 gem 2.5, एंड फ्लेंज टू वेव बकलिंग, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको फिगर में दिखाई हुई है। लोकल कैपेसिटी ऑफ वेव, सबसे फर्स्ट इक्वेशन एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू बी वन प्लस एन टू टी डब्ल्यू इंटू एफ आई डब्ल्यू अपॉन गामा एमओ। यहाँ पे क्लोज नंबर 8.7, 8.7.4, पेज नंबर 66 पे जाने के आपको बी वन अगेन एज्यूम जीरो एंड एन टू इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 40 इंटू 2.5, तो आपको आंसर 200 मिल जाएगा फॉर स्लोप 1 gem 2.5। नाउ एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू अब देखो ये सारी पूरी जो वैल्यू है मैंने रख दी यहाँ पे, तो आंसर आ गया 545.45 किलो न्यूटन। एट द लोकेशन, अब देखो फर्स्ट केस पे क्या है कि एट द लोकेशन ऑफ 300 किलो न्यूटन पॉइंट लोड एफ डब्ल्यू 545.45 इज ग्रेटर देन 300 किलो न्यूटन, ओके। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है यहाँ पे तो आपको ओके लिखना है, ओके। हैंस नो बेयरिंग स्टिफनर्स बिलो पॉइंट लोड इज रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट लोड के नीचे जो है वो हम कोई भी बेयरिंग स्टिफनर्स जो है वो लगा नहीं सकते हैं एट द सपोर्ट। अब जो सेकंड जो चांस है वो लेते हैं, एट द सपोर्ट क्या होता है क्योंकि हम एंड पे तो लगा नहीं सकते बिलो द पॉइंट, ओके। नाउ एट द सपोर्ट रिएक्शन इज इक्वल टू 996 किलो न्यूटन, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 545.45 किलो न्यूटन विच इज लेस देन 996 किलो न्यूटन, हैंस बेयरिंग स्टिफनेस आर रिक्वायर्ड एट द सपोर्ट। तो जहाँ पे मतलब आपका सपोर्ट्स होता है वहाँ पे ही अब आपने आप अपने स्टिफनेस जो है वो रेडी कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। अब उसके बाद जो है वो है डिज़ाइन ऑफ बेयरिंग स्टिफनेस एट सपोर्ट। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर कि आपको ट्रायल एंड एरर मेथड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे तो मतलब डायरेक्ट बुक जो है उस पर वो लोग दे देते हैं, लेकिन आपको जो है वो अलग अलग सेक्शन प्रिफर करके ये स्टेप करना है। डिज़ाइन ऑफ बेयरिंग स्टिफनेस एट सपोर्ट, इसमें लिखा है ट्राई पेयर ऑफ 200 × 12 मिनिमम माइल स्टील फ्लैट्स, ओके। तो हमें सबसे पहले जो है वो एक पेयर उठानी है जिसका डायमेंशन जो है जो मतलब बेयरिंग स्टिफनेस जो है वो 220 × 12 mm जितना होना चाहिए। नाउ मैक्सिमम आउटस्टैंड ऑफ स्टिफनेस इज इक्वल टू 20 × 2q × tq × εε, की वैल्यू 1, tq की वैल्यू 12, एंड 20 का 20 वो सारा रख दिया तो आया 240 mm, एंड 220 mm इज लेस देन 240 mm, हैंस इट इज ओके, ओके। एंड आउटस्टैंड ऑफ कोर सेक्शन इज इक्वल टू 14 × tq × εε इज इक्वल टू 14 × 12 × 1 विच इज इक्वल टू 168 mm विच इज लेस देन 220 mm, देयर फॉर यूज आउटस्टैंड 168 mm, ओके। तो ये चीज़ है कि कैसे जो है वो हम मशीनरी जो है वो मतलब जो ये स्टिफनेस जो है वो कैसे यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, ओके। तो अब देखो ये स्टिफनेस की फिगर में आपको दिखाओगे तो आपको पता चलेगा कोर एरिया ऑफ स्टिफनर्स विथ इफेक्टिव एरिया ऑफ वेब। अब देखो यहाँ पे जो है वो 220 ऊपर की साइड, 220 नीचे के साइड, और ये 12 mm,
ओके ऐसा तो है ही, उसके साथ साथ भाई ये टी क्यू इज इक्वल टू 12, यहाँ पे 12, ओके ये वेव जो है वो वेव दर्शाई हुई है। तो ये सारी जो चीज़ें जो है वो आपने आगे डिज़ाइन की है उसके बेस के ऊपर ही है, उसके बेस से मतलब जो मतलब न्यूमेरिकल आता है वो लेके ये बनाया गया है। ओके तो इसे हम एंड बेरिंग स्टिफनेस बुलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो खाली पोर्शन है वो, यहाँ पे जो खाली पोर्शन है वो, ओके तो इसे हम एंड बेरिंग स्टिफनेस बुलाते हैं, जिसकी डायमेंशन जो है वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ये 220, ये 220, उसमें से ये जो है वो 168 है, ओके एंड 20 TW इज इक्वल टू 240। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है एंड बेरिंग स्टिफनेस के डिज़ाइन के लिए। उसके बाद है चेक फॉर बकलिंग। तो चेक फॉर बकलिंग में भी ऐसा, इफेक्टिव एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 168 इंटू 12 प्लस 240 इंटू 12। तो टोटल जो इफेक्टिव एरिया हुआ आपका वो हुआ 6912 mm स्क्वायर। नाउ आई वाई वाई इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे जो है वो हम इक्वेशन कैसा लगाएंगे, बी डी क्यूब ओके अपॉन 12, बी डी क्यूब अपॉन 12 ओके। तो यहाँ पे जो बी है वो 12 है, अब डी जो है वो यहाँ पे 2 इंटू 168 प्लस 12 जितना होगा, नीचे और नीचे भी 12 आएगा, और जो यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर डी के ऊपर क्यूब आ जाएगा। तो ऐसा हम करेंगे तो यहाँ भी ऐसा होगा, 240 इंटू 12 रेज टू 3 अपॉन 12 विच इज इक्वल टू 42.17 इंटू 10 रेज टू 6 mm रेज टू 4। नाम हमें फाइंड करना है आर वाई, तो आर वाई के लिए इक्वेशन है अंडर रूट आई वाई वाई अपॉन ए क्लोज नंबर 8.7.1.5 पेज नंबर 66 ये से 800। सारे वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट कर ली हमने, 42.17 इंटू 10 रेज टू 6 अपॉन 6912। तो आंसर जो है वो आर वाई का आ गया 7810 mm। नाउ के एल अपॉन आर इज इक्वल टू के एल जो है उसकी वैल्यू है 0.7 D अपॉन आर 78.10, यानी टोटल जो हुआ के एल अपॉन आर वो हुआ 12.55। एंड टर्म फ्रॉम IS 800-2007 table 9C page number 42 और सी इज FCD इज इक्वल टू 226.24 न्यूटन पर mm स्क्वायर, देयरफॉर बकलिंग रेजिस्टेंस। ओके तो ऐसे जो है वो चेक्स जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। ये चेक थोड़े बच्चों कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये आपको सभी चेक याद नहीं रखने हैं, जितने जितने आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको याद रखने हैं। FQD की वैल्यू जो है वो निकल जाएगी इफेक्टिव एरिया इंटू FCD से। ओके तो अगर ये जो है वो 996 से ज़्यादा होता है तो आपका स्टिफनेस जो है वो बकलिंग में भी सेम है। ओके उसके बाद जो स्टेप है वो है चेक फॉर बेरिंग कैपेसिटी स्ट्रेंथ ऑफ एंडिंग ऑफ एंड स्टिफनेस। तो आपने क्या करना है, चेक फॉर बेरिंग स्ट्रेंथ करना है ओके ऑफ एंड स्टिफनेस। एंड स्टिफनेस पे जो है वो कैरीड आउट करना है, इसमें जो है वो IS 800 लगेगा आपको, क्लोज नंबर 8.7.5.2 page number 68 एंड कंसिडर जो चैम्फर होती है वो 15 mm। ओके ये कैम्फर क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो पोर्शन है, ये जो बेवल पोर्शन है जो यहाँ से मोड़ दिया गया है, उसे हम बेवल बुलाते हैं ओके कैम्फर बुलाते हैं ओके। तो कैम्फर जो है वो 15 mm का लगा लिया। अब एरिया क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 220 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 12 विच इज इक्वल टू 4920 mm स्क्वायर एंड FPCD इज इक्वल टू 4920 ओके। ये इक्वेशन में पूरी वैल्यू में रख दे रहा हूँ, FW250 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 1.0 ओके। तो इसकी वैल्यू आ गई 1397.73 kN और आपकी जो FX की वैल्यू है वो 996 kN की हो, यानी कि जो कंडीशन यहाँ पे है FPCD के लिए, AQ इंटू FIQ अपॉन 0.8 गैमा एमओ ग्रेटर और इक्वल टू FX ओके। तो ये जो है वो कंडीशन फुलफिल हो गई है, हैंस द स्ट्रक्चर इज सेफ इन बेरिंग ऑल्सो ओके। तो
और यहाँ पे जो वेव फिगर बना दी है आपने, यहाँ पे जो चैम्फर दिया है वो ऐसे दिया है 220 220, ये 12, और यहाँ पे ये जो एजिस जो बेवल कर दी गई है उसे ही हम चैम्फर बुलाते हैं। ओके, तो टी क्यू यहाँ पे 12 जो रहा, टी डब्ल्यू जो है वो 12 रहा। ओके, तो ऐसे जो है वो डिज़ाइन की जाती है और चेक्स जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे मतलब जो है वो आगे का एग्जाम्पल पूरा किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।